हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने क्लास टेंथ की 1.1 के 2 और 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अभी हम 4, 5 क्वेश्चन करने वाले हैं, सो लेट्स स्टार्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इधर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले, सेकेंड क्वेश्चन हमने करवाया था इसी टाइप का सेम, बस यहाँ पे क्या उसमें क्या था, सिर्फ एनी पॉजिटिव और इंटीजर था, यहाँ पे क्या देते स्क्वायर ऑफ। अब जो भी यहाँ पे कंडीशन बोलता है वो आपको उस पर अप्लाई करनी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या करना है आपको, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। उसके बाद यूक्लिड एल्गोरिथम वाली इक्वेशन लिखनी थी आपको, दैट इज ए इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर। अब इससे कंपेयर करके यहां से बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 3। देखो ए बी क्यू ये होता है ना 3, ये वाली फॉर्म 3m+1 यानी बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ से बी क्या आ रहा है हमारा, 3 आ रहा है। और आर की वैल्यू क्या होती है, आर क्या हो जाएगी, ये कंडीशन क्या होती है हमारी, 0 से बड़ा और 0 के इक्वल, और बी से क्या होता है छोटा। अब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, दैट इज 0, 1 और 2, 3 से छोटा होगा ना, 3 बी की वैल्यू 3 है तो 2 तक आ जाएंगी। अब कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू इसमें पुट कीजिए, आर की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो बी क्यू ये क्या आ जाएगा, दैट इज 3 और क्यू। आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 पुट करने पे क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 3q+1। आर की वैल्यू 2 पुट करेंगे, ए क्या आ जाएगा हमारा 3q+2। अब उस क्वेश्चन में तो हमने यहीं पे चेक कर लिया था इवन ऑड, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब हमने ए को स्क्वायर माना ना, सॉरी ए को पॉजिटिव इंटीजर माना है ना, तो अब ए की वैल्यू जो है इनका हमें स्क्वायर करना है, ठीक है। और स्क्वायर करके देखना है क्या वो इस फॉर्म में आ रहे हैं क्या। ए की वैल्यू क्या है 3q, अब ए का स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर कंप्लीट, तो 3q का स्क्वायर क्या हो गया, दैट इज 9q2। और 9q को हम क्या बोल सकते हैं, 3 × 3q2 बोल सकते हैं ना, यानी कि 3×3=9q2 हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया, दैट इज ये 3 और इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं, एम मान लेते हैं, ठीक है, यानी कि एम कोई मल्टीपल है। अब यहाँ पे जो भी है उसको हम एम मान लेंगे, तो ये क्या होगी, 3m की फॉर्म हो गई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट, यहाँ पे ए की वैल्यू ये है, इसको पुट कीजिए, ए स्क्वायर यानी 3q+1, इसको स्क्वायर कीजिए, होली क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab+b2। अब इनको खोलेंगे तो ये देखिए 9q² + 6q+1 हो गया। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 3q² + और ये क्या आ जाएगा 2q हो गया। तो ये 3 और साइड में क्या प्लस 1, इसका मतलब ये क्या हो गया 3 और इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, m प्लस और ये 1, यानी कि ये फॉर्म भी हमारी आ गई ना 3m+1। देखिए स्क्वायर करने पे एक इस वाले का स्क्वायर किया तो क्या आ गया हमारी 3m, और यहां से स्क्वायर किया तो क्या आ गया 3m+1। एक बार इसका r2 पे और चेक कर लेते हैं, a की वैल्यू क्या थी 3q+2, इसका स्क्वायर कीजिए तो क्या आ जाएगा 3q² 9q² 2ab क्या आ जाएगा 3×2=6 2×12q+2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। अब यहां से देखिए 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं ना, 9q² + 12q 4 को हम इस तरह ब्रेक कर सकते हैं 3+1 में कर सकते हैं। अब यहां से देखिए इन तीनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 3q² यहां से 4q
थ्री कॉमन निकाल 11 और यहाँ से 3 कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा 1। अब इस कंप्लीट को हम क्या मान लेंगे m, तो ये क्या होगी 3m+1 हो गई। तो हमारी इस यहाँ से भी क्या फॉर्म आ रही है 3m+1 और ये 3m+1। सो वी कैन से दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। ये था इसका सॉल्यूशन। इसका एक और तरीका जो मैंने सेकंड क्वेश्चन में बताया था, उस तरह से भी देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, स्क्वायर ले लीजिए, स्क्वायर हम 4 ही मान लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। अब उसको यहाँ पे क्या, बी से, बी की वैल्यू जो थी उससे डिवाइड करे थे, बी की वैल्यू क्या है 3 से डिवाइड कीजिए, ये क्या आ गया 1। तो देखिए 3 इसको क्वोशेंट मान लिया, यानी कि m मान लीजिए या q मान लीजिए, +1 हो गया। एक और स्क्वायर लीजिए, ये 2 का स्क्वायर था, एक 3 का स्क्वायर ले लीजिए, क्या आ गया 9। तो ये क्या आ रहा है, ये कंप्लीट जा रहा है ना, तो ये क्या हो गया 3 × m + 0, तो इसको क्या बोल सकते हैं 3m। तो यही दोनों फॉर्म आ रही है, यहां से निकल के आ रही है, तो ये इस तरह से सोल्व करके भी आप ये लाइन आप लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस 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 9q, 9q+1, 9q+8। यानी कि इस फॉर्म में आपको देखना है क्यूब, यहाँ पे क्या था स्क्वायर, अब क्या आ गया क्यूब, बस सेम उसी तरीके से करना है, कुछ नहीं है। सबसे पहले लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, लिख लिया। उसके बाद a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी की, अब यहाँ पे देखिए b की वैल्यू अगर हम और में क्या करें, डायरेक्ट यहीं से ले रहे थे ना, 3, 3, 6 थी, इसमें 9 आ गई। अब 9 अगर लेंगे तो r की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 0 से 8 तक, और फिर ऊपर से क्यूब और बोल गया, तो ये बहुत लेंथी चला जाएगा। तो इसके लिए हम b की वैल्यू 3 लेंगे। 3 क्यों लेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो हम यहाँ पे वैल्यू 3 ले सकते हैं, ठीक है। अब 3 के अकॉर्डिंग r की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 0, 1, 2, ओके। अब यहाँ पे इसने क्या बोला, क्यूब बोला है, एक बार a की वैल्यू सेम आ ही जाएंगी, पिछले क्वेश्चन में क्या था, a की वैल्यू क्या आ जाएगी r 0 पे, a इज इक्वल टू 3q, r 1 पे a इज इक्वल टू 3q+1, और r 2 पे क्या आ जाएगी a इज इक्वल टू 3q+2, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, क्यूब, उसमें क्या था स्क्वायर, तो क्यूब कर दीजिए, बस a इज इक्वल टू 3q, इसका क्यूब करेंगे क्या आ जाएगा 27q³ आ जाएगा। अब हमें क्या लाना है, 9 की फॉर्म में लाना ना, ये जरूर देखना कि आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में लाना है, इसमें 3 की फॉर्म में लाना था तो हमने इसको इस तरह ब्रेक किया कि 3 आ जाए, अब यहाँ पे 9 लाना है ना, तो 9 की फॉर्म में ब्रेक करने का सोचिए, तो इसको क्या आ जाएगा 9, इसको क्या लिख सकते हैं 9 3 जा, और ये क्या हो जाएगा क्यूब, 9 3 जा 27, और इसको बोल सकते हैं दैट इज 9। अब किसने क्या बोला, क्यों बोला है, तो हम यहाँ पे इसको क्यों नाम दे देंगे, क्यों बोल देंगे, ठीक है, एम बोल देता है, एम जो भी बोले आपको वो आप नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट 3q+1, इसका क्यूब करेंगे, ये हमारी क्या आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी क्यूब क्या होता है, दैट इज a³ + b³ + 3a² b + 3ab² इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा a क्यूब, यानी कि 3 का क्यूब क्या होता है 27q³ प्लस बी क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, प्लस 3a² ए क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर 9, और ये 3, 9 3 जा 27, और b की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 आ जाएगी, ठीक है, और ये q था साथ में, प्लस 3ab² 3a की वैल्यू क्या है 3q, 3 3 जा 9q, और b की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 9q, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा क्योंकि वहां पे ए स्क्वायर था ना, और ए क्या है 3q। अब देखिए, अब इनमें से कुछ कॉमन निकालने का सोचिए,
ये और ये, इन तीनों में से 9 कॉमन निकाल लूं मैं। 9 कॉमन निकालने के बाद यहाँ से क्या बचेगा, 3Q³। यहाँ से क्या बचेगा, 3Q² और यहाँ से क्या बचेगा, क्यू बच जाएगा, क्योंकि 9 तो बाहर आ ही चुका है और साथ में ये +1, +1 आ गया। अब इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, क्यू मान लेंगे, क्योंकि इसने क्यू बोला है ना, तो ये क्या आ गई, 9Q+1 इस फॉर्म में आ गई। नेक्स्ट क्या था, आर इज इक्वल टू 2, आर 2 पे और चेक कर लेते, ए की वैल्यू क्या थी यहाँ से, 3Q+2 और इसका क्यूब करना है ना, यहाँ पे क्यूब लगा दीजिए, तो ये अब इसका क्यूब करेंगे क्या जगह, 3Q+B³, बी क्या है, 2 का क्यूब क्या आ जाएगा, 8+3 इंटू ए स्क्वायर क्या है, दैट इज 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9Q प्लस और इंटू सॉरी बी की वैल्यू क्या है, 2, तो 9 3 27, 27 टू जा क्या आ गया, 54Q आ गया, प्लस 3A, आप देखिए 3A की वैल्यू क्या है, 3Q और बी की वैल्यू क्या है, 2, उसका स्क्वायर यानी कि 4, 4 3 12, 12 3 36 और क्यू, ठीक है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर बोल जाए, ये हो गया। अब यहाँ से कॉमन निकालिए, इनमें से कॉमन निकालिए, 9 लाना है तो 9 कॉमन निकाल के ये क्या आ जाएगा, 3Q³, ये क्या आ जाएगा, 6Q² और ये आ जाएगा 4Q और ये क्या हो गया, दैट इज 8, इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं क्यू, तो ये क्या हो गया, 9Q+8 इस फॉर्म में आ गया ना हमारा, ये लाना था हमें 9Q+1 और 9Q+8, इन तीनों फॉर्म में ये आ रहा है क्यूब, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, सो हम लिख सकते हैं, सो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9Q, 9Q+1 और 9Q+8। ये था इसका सॉल्यूशन। अब इसका दूसरा तरीका देख लीजिए एक बार, क्या बोला है इसने, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, जैसे इनके सोल्व किए थे ना, क्यूब ले लीजिए किसी भी नंबर का, तो हम 3 का क्यूब ले लेते हैं, 27, 9 से करेंगे क्या आ गया, 0 आ रहा है, तो 9 और ये क्वोशेंट, क्वोशेंट 9 क्वोशेंट प्लस 0, तो ये क्या आ गई, 9Q की फॉर्म आ गई। दूसरा देखिए, 4 का क्यूब ले लीजिए, 64, 9 से करेंगे दैट इज क्या आ रहा है हमारा, 1, तो 9 ये क्वोशेंट, क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1, 5 का क्यूब लीजिए, 125, 9 से कीजिए कितना आ गया, दैट इज 8, तो यहां से क्या आ रही है फॉर्म, आ रही 9Q+8, देखिए यही फॉर्म आ गई, तीनों फॉर्म आ रही है ना, तो हम यहाँ से भी इस तरह सोल्व करके भी आप लिख सकते हैं कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9Q, Q+1 एंड 9Q+8। तो ये हो गया हमारे एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आ गए हो, फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करूंगी, और अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और वन मोर थिंग दैट इन सभी क्वेश्चंस को आपको एक बार खुद से प्रैक्टिस जरूर करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।